गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। थैंक यू। बताइए कैसे आना हुआ? डॉक्टर मेरा नाम है नूरू और मेरी उम्र 30 साल है। और मैं थिएटर वगैरह करता हूँ। ओके। सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, लेकिन अभी 3 महीने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में मेरे साथ जुड़ गई है। ऐसी क्या प्रॉब्लम जुड़ गई है आपके साथ में, मुझे बताएंगे आप? डॉक्टर दरअसल बात यह है कि अभी 3 महीने पहले मैं कहीं आउट ऑफ दिल्ली शूट पर गया था। ओके। तो वहाँ का कुछ माहौल ऐसा था कि मैं ना चाहकर भी उस चीज़ को करना पड़ा। तो वहाँ कुछ साथ के लड़के फ्रेंड बन गए। ना तो मैं बीड़ी पीता, ना सिगरेट स्मोकिंग, कुछ भी नहीं करता, किसी भी चीज़ का मेरे अंदर ऐब नहीं है। लेकिन वहाँ माहौल ऐसा बन गया कि पहले दिन से लेके पूरे 3 महीने तक मैंने रोज ड्रिंक करी। और डॉक्टर वहाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड या दोस्त कुछ बन गई थी, और उसके साथ मेरा रूम भी शेयर्ड होता था। ओके। और जब हमारा पैकअप होता था रात को, नाइट में पैकअप के बाद हम लोग दारू पिया करते थे, और वो लड़की भी ड्रिंक किया करती थी। उसने ही मुझे फोर्स किया फर्स्ट टाइम बोलने। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की तो मुझे वोमिटिंग हुई, मुझे होश ही नहीं था। लेकिन दूसरे दिन जब मैंने की तो मुझे अच्छा लगा, तीसरे दिन की तो और अच्छा लगा। तब चौथे दिन मैंने की तो मैंने उसके साथ सेक्स किया। सेक्स करने में मुझे ड्रिंक करने के बाद बहुत मज़ा आया। मतलब डॉक्टर मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो मैंने उस दिन किया। मतलब एक पोर्न फिल्म में जैसे लड़का लड़की करते हैं ना, मैंने उस टाइप से सब कुछ मज़े किए। और फिर वो रोज करने लगा, 3 महीने तक नॉन स्टॉप किया। मैं दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, गुटखा भी खाने लगा, सब कुछ। मैं जीना चाहता था अपनी लाइफ को, और मैं सोचा कि 3 महीने बाद मैं सब छोड़ दूंगा, पर डॉक्टर ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या 3 महीने बाद मैं अपने घर आया। मेरी वाइफ एक बहुत साधारण हाउस वाइफ है, घरेलू, उसको ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई। अब मैं उसके साथ जब भी सेक्स करता हूँ तो मेरे दिमाग में वो सब फ्लैशबैक आता है। मैं उसके साथ 5 मिनट भी नहीं टिक पाता, और वहाँ मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा नशे में फुल इंजॉय किया करता था। अब मुझे ना अपने आप से शर्म आ रही है, और आपसे मैंने क्या बताऊं कि मैंने अभी उसके साथ भी ये सब करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही है डॉक्टर, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मिस्टर नूरू, क्या आपको पता है कि नशा करना बहुत बुरी बात है? आपने जब कभी नशा नहीं किया तो फिर वहाँ जाके ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको नशा करना पड़ा? वो एक माहौल बन गया था, तो मैं चाहकर भी कहा ना आपसे। अब आप क्या चाहते हैं मिस्टर नूरू, कि आप ये सब कुछ छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना चाहता हूँ। मैं जैसा था वैसा ही होना चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ से वैसे ही मिलूँ जैसे था। मैं सिंपल तरीके से उससे प्यार करना चाहता हूँ, नशे को दूर तक नहीं देखना चाहता। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर नूरू कि आपने सोचा कि मैं नशा छोड़ दूँ, वरना आजकल कहाँ बच्चे नशा छोड़ते हैं, बल्कि नशे में और डूबते चले हुए जाते हैं। अब मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो जो माहौल आपको वहाँ मिला, वो आप यहाँ आने के बाद उस माहौल को कहीं अपने आसपास भी मत रहने दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो लोग नशा नहीं करते हैं उनके बीच में आप टाइम स्पेंड करें, अपनी बीबी के साथ में अच्छा सा वक्त गुजारें, तो शायद आपके दिमाग से नशा करने की आदत छूट जाएगी। अगर आप बार बार उसी माहौल में जाएंगे तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगी और आप नशा नहीं छोड़ पाएंगे। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से चाहते हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत से नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। कुछ मेडिसिंस हैं जो मेडिकल पे बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, अवेलेबल है। आप मेडिकल लेने के पे जाएं, वहाँ से कुछ मेडिसिन खरीदें, वो भी आपको नशा छुड़ाने में आपकी मदद करेंगी। लेकिन सबसे पहले मिस्टर नेहरू, आपकी जो आप जो सेल्फ जो आप चाहते हैं, आपकी विल पावर इतनी अच्छी है कि आप चाहते हैं कि आप नशा छोड़ेंगे तो आप छोड़ देंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। वरना आप जानते हैं कि नशा करके आप जब सेक्स करते हैं तो आप खुद में नहीं होते, आप नशे के अधीन होते हैं। उस वक्त आपको नशे ने बुरी तरह जकड़ा होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप सेक्स कर रहे हैं, या आपकी वाइफ है या उसे तकलीफ हो रही है, आप उन सब चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। लेकिन आप विदाउट नशा अगर अपनी वाइफ के पास जाएंगे, उसके साथ में सेक्स करेंगे, तो आप देखेंगे भरपूर जीवन जी पाएंगे जो आप पहले जीते थे। आज आप नशे में डूबे हो, आज क्योंकि आपको वो वहाँ माहौल मिला, आज आप उस माहौल से निकलना चाहते हैं तो आप ज़रूर निकलिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी।
कोई घरेलू उपचार? घरेलू उपचार तो इसका, हाँ एक चीज़ है, जब आप शाम होते होते आपको नशा करने की तलब आती है, उस वक्त आप अपने फैमिली के साथ रहिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनसे बातें कीजिए, अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि मैं नशा करता था। उस वक्त आप चाय लीजिए, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक हैं जो आप ले सकते हैं, तो नशा करना ज़रूरी तो नहीं है। आप कभी भी याद रखिए मिस्टर नूरू, कभी भी नशा करके आप कभी भी सेक्स ना करें, क्योंकि इससे आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपकी वाइफ को भी, और आपके बीच झगड़े होंगे और आपके बीच में आपकी मैरिड लाइफ ऐसी हो जाएगी, आप शायद ना जीने में रहेंगे ना ही मरने में रहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात जी? तो अब आप क्या सोच रहे हैं? मैं वैसे आपको एक नशा मुक्ति केंद्र का आपको एड्रेस लिख के देती हूँ, वहाँ हमारे कुछ सीनियर हैं जी। वो आपको नशा छुड़ाने में मदद करेंगे, ठीक है? मैं आपको फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस लिख कर दे रही हूँ, आप वहाँ चले जाइएंगे और हाँ मेरा नाम लीजिएगा, वो आपका नशा छुड़ाने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, और देखिए एक दिन आप नशा छोड़ देंगे और तब मेरे पास आएंगे। आपका नाम क्या डॉक्टर? डॉक्टर सुनीता। डॉक्टर सुनीता, ठीक है मैं आज ही जाता हूँ। हाँ ये मिस्टर रेड्डी हैं, हमारे सीनियर हैं और ये नशा मुक्ति केंद्र में सीनियर डॉक्टर हैं जी, जी। ये आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे जी। और देखना बहुत जल्दी आप पहले जैसे हो जाएंगे और अपनी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से जी पाएंगे। डॉक्टर आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मैं 50% ठीक हो गया। बिल्कुल, और 50% में ठीक मैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मेरी नई जिंदगी मुझे दोबारा देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।